friends, welcome back to Update Yourself. Now here I am Madhu, and in this video we are going to discuss about how to change yono application pin. Actually मेरे बहुत सारे viewers and subscribers ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे पूछा कि yono SBI का जो application है उसका pin कैसे change करते हैं, because yono application जो आप use करते हैं वो आपके bank account से link रहता है, so definitely सी बात है कि आपको time to time आपका pin change कर देना चाहिए आपका एप्लीकेशन और आपके अकाउंट अगर आप सेफ रखना चाहते हैं तो. तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने योनो एसबीआई का पिन चेंज कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी योनो एप्लीकेशन को ओपन करना होगा. ये इस तरह से एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आपके सामने आएगा, जहाँ पर कुछ प्रोसेसिंग होगी एंड देन आपकी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी. इसमें जो एक MPIN है, एक यूजर आईडी है. MPIN वो है जो आपने जनरेट कर रखा है, यूजर आईडी वो है जो आपकी नेट बैंकिंग की आईडी है. यहाँ पर अपनी नेट बैंकिंग की आईडी एंड नेट बैंकिंग का पासवर्ड डालेंगे तो आपका जो ना एप्लीकेशन लॉग इन हो जाएगा. मैं यहाँ पर MPIN चेंज करना सिखा रही हूँ. तो ये देखिए, सबसे पहले मेरा जो ओल्ड MPIN है वो मैं यहाँ पर एंटर करूंगी, 7 8 5 6 3 7. ओके यूनो एप्लीकेशन में लॉगिन कर लिया है मैंने अपना MPIN एंटर करके. जैसे मैं MPIN एंटर करके अपने यूनो एप्लीकेशन में एंटर करती हूँ तो कुछ इस तरह का इंटरफेस मेरे सामने आता है जो आपको दिख रहा होगा. ओके तो मैं यहाँ पर ये जो ऊपर 3 लाइंस बनी हुई है आपको दिख रही होगी, इस पर क्लिक करूंगी. जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी तो कुछ यहाँ पर ऑप्शन मेरे सामने आ जाएंगे. इसमें मैं सर्विस रिक्वेस्ट वाला जो ऑप्शन आपको ये दिख रहा है इस पर मैं क्लिक करूंगी. जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक इंटरफेस इस तरह का आपके सामने आ जाएगा. यहाँ पर आपको ये जो ब्लू कलर से लिखा हुआ वाइट डॉट्स के सामने यही सारी चीजें आपको यहाँ पर आइकन्स पे दिखाई देगी. ओके तो यहाँ पर सिंपल तरीके से अगर मुझे अपना पिन चेंज करना है तो मैनेज पिन जो लिखा है उस पर क्लिक करूंगी. अगर मुझे अपना ATM या डेबिट कार्ड ब्लॉक करना है तो ये सेकेंड नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगी. अगर मुझे अपना SMS सर्विस एक्टिवेट करानी है तो मैं यहाँ पर थर्ड वाले नंबर पे क्लिक करूंगी. एंड अगर मुझे चेक अपना स्टॉप करना है तो ये मैं फोर्थ वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगी. अभी मैं आपको यहाँ पर पिन चेंज करना सिखा रही हूँ तो मैनेज पिन पर क्लिक करेंगे. जैसे ही मैनेज पिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह के ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे बहुत सारे. ओके तो आपको करना क्या है, ये सिक्योरिटी के सेकेंड वाला ऑप्शन है उसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है चेंज MPIN. तो आप चेंज MPIN पे क्लिक करेंगे तो आप अपना पिन चेंज कर सकते हैं. ओके तो मैंने यहाँ पर ये क्लिक किया. इसके लिए आपको इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल एक पासवर्ड होता है आपका, एक तो यूजर आईडी होता है, एक पासवर्ड, उसके बाद आपका पासवर्ड एंटर करना होता है तो आप अपने इंटरनेट बैंकिंग में लॉग इन कर लेते हैं. बट एक प्रोफाइल पासवर्ड होता है जो आपकी इंटरनेट बैंकिंग में कोई भी सेटिंग चेंज करने के लिए यूज किया जाता है. तो यहाँ पर मैं अपना प्रोफाइल पासवर्ड एंटर कर दूंगी. ओके तो यहाँ पर मैं अपना प्रोफाइल पासवर्ड एंटर करती हूँ. ओके तो मैंने यहाँ पर अपना प्रोफाइल पासवर्ड एंटर कर दिया. एंटर करने के बाद यहाँ पर ये कंफर्म लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं. बट कंफर्म पर क्लिक करने के पहले एक बार ये जो आपके पास क्रॉस आई बनी है इस पर क्लिक कर ले. जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड शो होने लगेगा. ओके तो आप ये पहले एक बार चेक कर लें, उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करते हैं. जैसे आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा आएगा एंटर करंट पिन. तो यहाँ पर आपको करंट पिन एंटर करना होगा. ओके तो करंट पिन जैसे कि ये है मेरा 7 8 5 6 3 7. ओके ये मैंने एंटर कर, आप मैं यहाँ पर सेट अ न्यू पिन. बट आप जो भी न्यू पिन सेट करते हो उसके लिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, कॉन्सिक्यूटिव नंबर नहीं होना चाहिए. जैसे कि मैं कर दू 1 2 3 4, ऐसा नहीं होना चाहिए. आपके जो नंबर होने चाहिए वो 3 नंबर कंसेक्यूटिव नहीं होने चाहिए. ओके तो मैं यहाँ पर सेट करके दिखाती हूँ. सपोज मैंने कर दिया 4 5 8 9 और 6 9. ओके अब यहाँ पर भी मैं वही करूँगी 4 5 8 9 6 9. ओके और इसको मैं कर दूंगी यहाँ पर कंफर्म. ओके कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव सक्सेसफुली अपडेट MPIN, गो टू लॉग इन. ओके ओके सो मैंने अपनी एप्लीकेशन को रीओपन किया और उसके बाद मैंने अपना यहाँ पर न्यू वाला जो पिन सेट कर रखा है वही वाला एंटर करूंगी, 4 5 8 9 6 9. ये देखिए यही वाला पिन मैंने अपना अभी सेट किया था. जैसे मैंने इसे फिर से एंटर कर लिया तो मैं लॉग इन कर चुकी हूँ यहाँ पर. एंड दिस इज अबाउट द योनो एप्लीकेशन
वीडियो एंड इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं. एंड आई हैव अ गुड डे. बाय बाय.